मैं मध्य प्रदेश से हूँ और प्रयागराज में कल 45 डिग्री था और लगभग जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ भी सीधी रीवा में भी 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। लेकिन अब मैं पश्चिम बंगाल ट्रेन के माध्यम से पहुँच चुका हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ की खूबसूरत हरियाली और यहाँ का टेम्परेचर। मैं बात बताऊँ कि टेम्परेचर यहाँ का लगभग 25 डिग्री है, यानी 45 डिग्री से सीधे 25 डिग्री में आ चुका हूँ। अच्छा खासा टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। यह हरियाली यह निश्चित करती है कि यहाँ मानसून काफ़ी महीनों पहले आ गया था। हर जगह हरियाली है, बहुत अच्छा मौसम है। मानसून काफ़ी समय पहले आ गया था, यहाँ तक कि ये पश्चिम बंगाल जो धान का कटोरा कहा जाता है, यहाँ पर कई जगहों पर अभी भी धान जो काटने लायक हो चुके हैं इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। चाय के बगान और तरह तरह के फसलें जो साइड से आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सुंदर नज़ारा है और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से हमारे सीधी जगहों में जुलाई अगस्त के टाइम में हरियाली चारों तरफ रहा करती थी, उसी तरीके से यहाँ पर अभी 10-12 जून में ही इस तरीके से हरा भरा हर जगह दिखाई देने लगी। यह नदी आप देख सकते हैं, नदी में भरा हुआ पानी ही आपको ये बता रहा होगा कि यहाँ कितनी अच्छी बारिश हो रही है। फिलहाल वर्तमान टाइम में तो बारिश हो नहीं रही है, लेकिन काफ़ी दिनों से यहाँ बारिश शुरू है, जिस वजह से यहाँ हरियाली बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है।